आज हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में रेलवे की भूमि पर वर्षों से रह रहे हजारों लोगों जिसमें ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर के अंतर्गत चार सरकारी स्कूल, कई अन्य प्राइवेट स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद व लोगों के घर आते हैं। यहां सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा सड़क, बिजली, पानी व अन्य व्यवस्था की है। जिस जगह को रेलवे अपनी जगह बता रहा है, आरटीआई लगाने के बाद ज्ञात हुआ कि रेलवे के पास चार नक्शे के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लान है। रेलवे के पास भूमि लिखाना अधिकार के कोई भी कागजात नहीं है, उसके बावजूद भी रेलवे बस्ती को अपना इलाका बताकर उजाड़ना चाहता है। लगभग 5000 परिवारों के घर उजड़ जाएंगे, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, नौजवान लड़कियां व बड़े बूढ़े हैं। सरकार उन्हें उनके घर से बेदखल करना चाहती है। जब रेलवे लाइन नहीं बिछी थी तब से यहाँ लोग रहते आए हैं। रेलवे उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। इस शहर को बसाने में इन बस्ती वालों का बड़ा योगदान रहा। इस पूरे मामले को लेकर ढोलक बस्ती, बनभूलपुरा वासी, इंदिरा नगर की जनता व प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, क्रांतिकारी लोकाधिकार संगठन, परिवर्तन कामी छात्र संगठन व न्याय प्रिय जनता ने इस प्रदर्शन में भागीदारी की। एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया गया व महोदय से कहा गया कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जाँच करें, हमें न्याय दिया जाए। एसडीएम कोर्ट कौन सी मांग लेकर आए हैं? हम अपने जो मतलब जो है गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती की और इंदिरा नगर की जो मांग लेकर आए हैं कि हमें उजाड़ा ना जाए। कौन उजाड़ा आपको? ये रेलवे जो है जो अपनी जगह बता रही है, रेलवे की कहीं से कहीं तक कोई प्रूफ नहीं है। रेलवे की हमारी जगह है, ये जो रेलवे अपना हक जमाना चाह रही है उसे हमें उजाड़ने के बाद कि ये जगह हमारी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो अभी कोई भी नहीं कर पाया, ना वन विभाग, ना नगर निगम की भूमि हमारी है, साबित नहीं कर पाया। जो मतलब वो समझ रहे हैं जो मतलब जो कि मतलब उसका नाम जो है कि मतलब हमें जो रेलवे को जो दिलाना है, यहाँ पे बड़े बड़े करोड़पतियों के उद्योग मॉल बनने हैं यहाँ पे, जो हमें उजाड़ ले 2007 से लगातार एक और कोई हमें एक को मारेंगे, हम चार को मारेंगे। एक हाथ टूटा हुआ है, एक साबुत है भैया, हम अपना झोपड़ी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें हो गए 40-45 साल और हो गए, 40-45 साल हो गए। और जब तोड़ना था तो बटने टूट गया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 40-45 साल हो गए। 4 महीने धंधा दिया हमारे घर वालों ने। हाँ, सर हमारा कहना है कि जो रेलवे है वो जो ढोलक बस्ती है, बनकुलपुरा है या इंदिरा नगर है, उसको अपनी बस्ती बता रही है, अपना इलाका बता रही है, और इसके लिए लगातार लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहे हैं। पर हमारा कहना है कि जो रेलवे है उसके पास जमीन नहीं है। हम लोगों ने आरटीआई लगाई है, उस आरटीआई में ये स्पष्ट है कि रेलवे ने केवल चार नक्शे दिखाए हैं और रेलवे ने खुद स्वीकारा है कि उसके पास जमीन के कागज नहीं है। तो हमारा कहना है कि सरकार जो है वो स्पष्ट करे, एक तो राजस्व विभाग और नगर निगम जो है वो सीमांकन रेखा को स्पष्ट करे, दूसरा जब रेलवे की जमीन है ही नहीं तो रेलवे किस आधार पर जो हम लोगों को उजाड़ रहा है। तो हमारा कहना है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये केवल आज से नहीं रह रहे, आज़ादी के समय से वहाँ रह रहे हैं, रेलवे लाइन नहीं बिछी थी तब से वो रह रहे हैं और आज तक रह रहे हैं, पर आज तक ये मुद्दा नहीं बना। पर आज आज हमें रेलवे अपनी झूठी दावा कर रहा है कि वो हमारी ज़मीन है और हमें उजाड़ा है। जो भारत है वो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ कोई रेखा रही नहीं है। उसके बाद अंग्रेज आ गए, तब कोई नक्शे खतौनी ये सारी चीज़ें नहीं बनी और आज इस तरह की बात हो रही है। अगर सरकार को विकास करना ही है तो हमारा ये कहना है कि सरकार या तो पुनर्वास करे, उनको सही से वो करे, फिर उन्हें उजाड़े। और सवाल ये कि उन्हें उजाड़ने का बनता ही नहीं, क्यों? क्योंकि जमीन जो है रेलवे की नहीं है। अगर सरकार कहती है जमीन हमारी है, तब हम हमारी सरकार से अपील बनती है कि सरकार वो हमारे हमारा पुनर्वास करे और जो है फिर हम वहाँ चढ़ने को तैयार। मेरा नाम रजनी जोशी है, मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से। अभी आपने एक बात कही कि ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पे खाता खतौनी या मानचित्र नहीं बना करते थे, लेकिन जो लोग मानचित्र दिखा रहे हैं कि हम पे मानचित्र है, वो लोग मानचित्र कहाँ से लाए? हाँ, तो जब आज़ादी के बाद जो जो मानचित्र बनने लगे वो बने। अब अगर हम बात करें बस्ती की बात करें, सरकार के चार सरकारी स्कूल है वहाँ जी, अस्पताल सरकारी है वहाँ पे, ठीक है, कई प्राइवेट स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, बिजली की लाइनें बिछी हैं, सड़कें बिछी हैं, ठीक है, पानी के पाइपलाइन बिछे हुए, तो ये तो सब सरकार ने ही किया है। नगर निगम का कहना है हमारी कोई संपत्ति नहीं है, हम ये सारी जो संपत्ति सरकार की है, हम खाली केयर टेकर है, हम खाली केयर टेकर है जिसका हम टैक्स लेते हैं। इसमें क्या बोलना आपका? मेरी पॉली चंदन सवाल, मैंने आपसे सवाल पूछा
नगर निगम का कहना है हमारी कोई संपत्ति नहीं है, हम केयर टेकर हैं, भूमि सरकारी है और हम सुविधाएं देते हैं उसका टैक्स लेते हैं, इसमें बताइए कहना आपका। भूमि सरकारी होगी तो सरकार, अगर ये भूमि सरकार की है तो सरकार पुनर्वास करे लोगों। आपने कहा नगर निगम, नगर निगम खाली केयर टेकर है, चलिए हम मान लेते हैं वो केयर टेकर है, पर बात ये कि जो लोग सदियों से बसे हैं उन लोग को उजाड़ना क्या जायज है? आप बताइए कि सरकार उनको उजाड़ने की तैयारी कर रही है। एक मिनट, नगर निगम पीछे क्यों हट रहा है? हमारे ये कहना है कि वहाँ छोटे छोटे